बिसमिल्मा रही अकम्म तो फाइनली गाइस आई होप कि आप तब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र फजल और करम के साथ मैं भी ठीक हूँ करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें मेरी दुआएं तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं सो फाइनली सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है आठ बजे का टाइम है और मैं आया हूँ अपनी फसलों की तरफ ये जो सामने आप देख सकते हैं ये टोटली गंदम की फसल है इस साइड पे भी आप बेशक देख लें और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है राय की फ़सल जिसकी अलहमदिल्ला हमने कटाई शुरू कर दी है क्योंकि राय बिल्कुल ही पक रहा है बल्कि तो तैयार ही है किस्म का थोड़े कुछ बोटे हैं जो रहते हैं जो अभी नहीं पके लेकिन बाकी तैयार है तो सोनी भाई ने इसकी कटाई भी शुरू कर दी है ये आप देख सकते हैं ये राय की फसल है जहाँ पर, पर मैं आया हूँ और इसकी कटाई हो रही है तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसकी कटाई कैसे की जाती है और किन किन तरीक़ों से इनकी कटाई हो सकती है और आपको अपनी राय की फसल भी दिखा दे तो फटाफट जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस करके आल पे कर दें तो ये देखें गाइस ये राय की थबियाँ बना के रखी हुई हैं और ये देखें ये राय काटा हुआ है और वो साम सामने सोनी भाई फिर रहे हैं राय काट रहे हैं मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो देखें वो सोनी भाई मौजूद हैं और राया काट रहे हैं दाती से दाती से हम इसकी कटाई कर रहे हैं ये देखें मैं आपको राया दिखाता हूँ ये देखें ये राय हमारा कर तैयार है ये देखें ये थब्बे बने हुए हैं और ये देखें ये राया मैं आपको दिखाता हूँ देखें इतना यानी कि कुछ बूटे सूख गए हैं कि उन्हें हाथ लगता है ना वो फली अपने आप ही टूट जाती है ये चेक करें ये देखें गाइस ये राय जो कि तैयार है बिल्कुल अल्लाह के शुक्र फजल करम से तो इन अब इसकी कटाई जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए तो फिर इनशाला इसको थ्रेशर पर निकालने का प्रोसेस शुरू करेंगे फाइनली गाइज राय की ना कुछ बातें होती हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता एक तो राय की कटाई सुबह सुबह सवेरे उठने शुरू कर दें पाँच बजे छः बजे सुबह सुबह दस बजे से ज़्यादा इसकी कटाई नहीं करनी यानी जब तक शबनम है आप इसकी कटाई करते रहें जब बिल्कुल धूप तेज़ हो जाए शबनम ना हो सूख जाए तो इसकी कटाई बंद कर दें क्योंकि जब धूप तेज़ होती है राया सूख के कड़क हो जाता है फिर वो गिरता है तो आप ये तीन चार घंटे के अंदर इसकी कटाई करनी है सुबह के वक्त कटाई करनी है शाम को हजगीज़ नहीं करनी उससे आपकी फसल का नुकसान होगा और उसके अलावा ये कंपाइन हारवेस्टर पर भी इसकी कटाई हो सकती है हाथ से भी काटा जा सकता है दाती से ये इसके प्रोसेस होते हैं और उसके अलावा रिपर से इसकी कटाई नहीं हो सकती ये हाँ, कंपाइन हार्वेस्टर और हाथ से ही इसकी कटाई होती है और हाथ से काटने के बाद थलैशर लगा लें तो हम थलैशर ही लगाते हैं मैं फर्स्ट टाइम राय बीज रहा हूँ हमारे साथ जो और हमारे हमसे रिश्तेदार हैं ना वो पहले भी राय बीजते थे तो मैंने फर्स्ट टाइम बीजा है ये तीन बीघे मैंने काज किए थे राय के तो अलहमदिल्ला ओ देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हम देखते हैं कि इनकी औसत क्या बनती है तो फिर जो भी औसत बनेगी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे ये देखें गाय ये वजन से ना राया बिल्कुल ही बनने के ऊपर आके गिर गया है तो इस वजह से काफी ना इसका नुकसान होता है क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो फिर रास्ता तो है जाने के लिए तो इसके ऊपर ही पाँव रख के यहाँ से गुजर जाते हैं और ये देखें सोनी भाई यहाँ से कटाई कर रहे हैं देखिए इस तरह इसकी कटाई की जाती है और सुना सेठ की हालत तेरा ठीक है ये देखिए सोनी भाई कटाई कर रहे हैं राय की इस तरह से इसकी कटाई की जाती है यानी कि इतनी ऊपर इसकी कटाई करनी है जहाँ तक इसकी डंडियाँ ख़त्म हो रही हों और बाकी ये जो है ना ये किस्म का बाला नहीं होता है ये आप लोगों ने छोड़ देने होता है तो फाइनली गाइज वहाँ से कटाई सोनी भाई ने शुरू की है और इस साइड से आके फिर वहाँ तक की है क्योंकि ये देखे ना ये बनना है यहाँ से भी लोग आते जाते हैं तो बनने के ऊपर है तो पाँव आता है नुकसान होता है और इधर भी लोग आते जाते हैं बनना है तो इस वजह से पहले मैं सोनी भाई का ये सराने और ये सराने ये काट लें उसके बाद फिर बीच में देख लें जहाँ जहाँ सूखा होता है ना सूखा ही काटना है गीला आप लोगों ने नहीं काटना जो हरा होगा उसको छोड़ देना दो दिन बाद में काट लेने क्योंकि उससे ना फिर आपकी औसत कम होने का खद्चा होता है तो जैसे अब ये देख लें ये माशाल्लाह जैसे मैं आपको दिखाता हूँ देखें ये पका हुआ है ये इस तरह की हालात में हो तो आपने इसकी फ़ौर कटाई कर लेनी है ये ये थब्बे बने हुए हैं और ये सामने देख सकते हैं ये भी पका हुआ है ये आपको मुकम्मल नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह रहे की कटाई की जाती है सोनी भाई कर रहे हैं और ये कटाई करके फिर ये इसके ऊपर रखते हैं ऐसे थब्बे बना के तो फाइनली आइज़ आपने जिस तरह देखा कि यही राय का प्रोसेस है हम तो इसी तरीके से काटते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की तो उम्मीद तो करता हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगा मेरे ब्लॉग का को काइंडली जरूर सब्सक्राइब करें मुझे इजाज़त इनशाला मिलेंगे अगले नए वी आई पी व्लाग के साथ खुदा हाफिज़ बाय बाय अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा इनशाला मिलेंगे अगले व्लाग में